नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। ये फास्ट में खाई जाती है तो इसलिए मैं साबुदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई से चढ़ा दी है गैस पे और मैंने डाल दिया इसमें तिल का तेल। तिल का तेल खाया जाता है फास्ट में, मूंगफली का और तिल का, इसलिए मैं तिल का तेल डाल रही हूँ। अब मैं बाकी इसको सारी तैयारी मैंने कर ली है। अब फटाफट मैं डालती हूँ इसमें जीरा। जो जो चीज़ें हम लोग फास्ट में खाते हैं मैं वो चीज़ें डालूंगी इसमें। और मैंने डाल दिया खूब सारा जीरा इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसमें कड़ी पत्ते, कड़ी लीव्स। जीरा ब्राउन हो गया, गैस मैंने स्लो कर दी है। बहुत बाहर निकल के आते हैं पत्ते, इसलिए मैंने गैस को स्लो कर दिया था। इसलिए उसका ध्यान रखें बनाते समय। और अब मैं इसमें डालती हूँ बाकी चीज़ें। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा आलू। आलू को मैंने एक आलू लिया है मीडियम साइज का, उसको धो के छील के और उसको बारीक कट में स्लाइस में देख लिए, ऐसे मैंने कट कर लिया है। गैस मैंने फिर से तेज कर दिया है क्योंकि मैंने आलू डाला है तो उसको गर्म करना है। बहुत ज़्यादा ऑयली मैं नहीं बनाऊंगी। मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी गाजर, हम गाजर खाते हैं फास्ट में, तो इसलिए मैं बारीक गाजर को बहुत बारीक बारीक कट कर लिया। ये भी आलू के साथ सॉफ्ट हो जाएगी इसके अंदर। इन्हें हमें तेल में ही इसमें कढ़ाई में ऐसे बिना पानी के पकाना है, इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा नमक। मैं सेंधा नमक यूज करूँगी, सेंधा नमक हम लोग फास्ट में खाते हैं तो इसलिए मैं सेंधा नमक डालूँगी। अगर आप नमक फास्ट वाला बर्त वाला जो सेंधा नमक खाते हैं तो आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल दूंगी तो उससे जल्दी ये गल जाएगा आलू भी और वो भी। एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया है सेंधा नमक इसके अंदर। अभी दोस्तों, अगर आप गाजर नहीं फास्ट में गाजर नहीं खाते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप जो आलू खाते हैं तो आलू डालें खाली। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने 3-4 हरी मिर्ची कट कर ली है। अब मैंने हरी मिर्ची डाल ली इसमें। लाल मिर्ची इसलिए नहीं डाली जाती क्योंकि वो उसको तेल में डाल के, सरसों का या कोई तेल डाल के लोग कई बार उसको पीसते हैं, बारीक करते हैं, तो इसलिए नहीं डाली जाती थी। अगर आप लाल मिर्ची पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्ची का ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, हरी मिर्ची डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। मैंने सूखा धनिया डाल दिया। सबको मिक्स करते हैं गैस हमारी सिम है। ये मैंने कुछ मूंगफली ली है, मूंगफली को सेक के उनका छिक्कल उतार दिया है और उसको बारीक क्रश कर लिया है, इसको कूट लिया है, थोड़ा सा बारीक पाउडर नहीं बनाया है, दानेदार पाउडर है, तो ये डालूंगी मैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर साबुदाना। देखिए, ये साबुदाना को मैंने 3 घंटे पहले भिगोया था और ये पूरी तरह से धो के और उसके जो साबुदाने का जो लेवल होता है उसी लेवल तक ऐसे जरा सा मामूली ऊपर, बस उतना पानी मैंने डाल के और साबुदाने को फुलो के रख दिया था 3 घंटे पहले। 3 घंटे में ये पूरी तरह से, मैंने इसको देखो, 3 घंटे में अच्छा फूल जाता है। देखिए, ये पूरी तरह से मैश हो रहा है, पूरी तरह से अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। गैस सिम है मेरी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया डाला है मैंने इसमें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था। अब अच्छे से मैश करूंगी नमक डालने इसमें। 1 चम्मच नमक मैंने पहले डाला था, थोड़ा सा नमक 1 चम्मच अब डाल दिया और हाफ और डाल दिया समझे मैंने, बस इतना ही नमक डालेगा इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। कलरफुल बनती है गाजर से, बस गाजर हम फास्ट में खाते भी हैं इसलिए मैं गाजर डालना इसमें पसंद करती हूँ, इसका सुंदर कलर आ जाता है इससे।
अच्छे से मिक्स कर दिया। अब खिचड़ी एक मिनट में इसको मैं ढक दूंगी तो सारी स्टीम में बहुत जल्दी सारे दाने और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और खिचड़ी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। मैं कम ऑयल में बना रही हूँ इसको, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा तेल में डालते हैं तो अलग है, नहीं तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा बीच बीच में मिक्स करते रहें, नहीं तो आपस में ये साबुदाना सारा चिपक जाता है। ये बनाते समय ध्यान रखें, अगर हम इसको ऐसे छोड़ के या ढक के और सोचें कि यह सारा पक जाएगा सब्जी की तरह, ऐसा नहीं है, पक तो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो जाएगा, लेकिन क्या सारा चिपक जाएगा, अधिकतर तले में चिपक जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ज़्यादा देर ना छोड़ें ढक के। चीज़ें हमारी इसमें डल चुकी हैं और खिचड़ी पूरी तरह तैयार हो गई है। दोस्तों मैं एक बात बोलना भूलेंगे पहले, तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बन गई है पूरी तरीके से, खिचड़ी पूरी तरह तैयार हो गई है। अब हम देखिए दोस्तों खिचड़ी पूरी तरह से तैयार रेडी हो गई है खाने के लिए। अब हम एक चटनी और बनाते हैं इसके लिए, नारियल की चटनी वो तैयार करेंगे। देखिए मेरी खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं लगी है, मैंने थोड़ा सा देर इसको ढका था, बहुत अच्छी बनी है, फर्स्ट क्लास। अब मैं इसको ढक देती हूँ और गैस को कर देती हूँ बंद और मैं बनाती हूँ चटनी। अब ये जब मैं ढक दूंगी इसको तो थोड़ा सा ये स्टीम में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साबुदाना की खिचड़ी बनी है फास्ट के लिए और साथ में है नारियल चटनी और साथ में है दही और बहुत टेस्टी, कलर वेरी टेस्टी, बहुत बढ़िया खिचड़ी बनी है। खाइए, एंजॉय कीजिए।